को तो फिर 2040 तक तेलंगाना का हर परिवार 31,500 रुपए कर्जा उतारेगा। 31,500 रूपये प्रति पेर मीद कालेश दोपड़ी जरिए 31,500 31,500 रूपी पर् फैमिली पर् इयर 31,500 रूपये प्रति कुटुंबं मीद दोपड़ी जरिए एक परिवार ने नुकसान किया है। ओकडे कुटुंबं मनंदर कुटुंबाल संबंधित डबुलंता दोपड़ी चेसुकुंदी। धरनी पोर्टल का प्रयोग करके 25 लाख लोगों की जमीन चोरी की है। धरनी पोर्टल में तो दादापू 25 लाख कुटुंबाल भूमि ने दोपड़ी चेसारु। गाथा कंप्यूटराइजेशन करेंगे। एक्कडैते कंप्यूटराइजेशन चेद्दामो चेसामो पता लगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से तेलंगाना के लोगों की जमीन चोरी कर ली। तेलंगाना कंप्यूटर द्वारा चोरी जैसी एक्कड़ भूमि में वाटू दोपड़ी जैसे कार्यक्रम चेसारु। तो हमने निर्णय ले लिया है कि जितना पैसा केसीआर ने तेलंगाना की जनता से चोरी किया है उतना पैसा हम तेलंगाना की जनता के जेब में वापस डालेंगे। केसीआर कुटुंबं तेलंगाणा प्रजल दग्गर डब्बुलु दोपिडी चेसिंदा अंत डब्बुल्नि मी जेबुल्लो तिरिगि इच्चालनि मेम निर्णयं चेशामु अनि चेप्तां। तेलंगाणा के भविष्य उनके बच्चों तेलंगाणा के बच्चों की देखभाल हमारी माताएं और बहनें करती हैं। तेलंगाणा बिड्डल भविष्यत्तु मन तल्लुलु मन सोदरी मनुलु चूस्ता उंटारु। सबसे ज्यादा नुकसान केसीआर ने उनका किया। पेद्द एक्कुव मोत्तंलो नष्टं केसीआर वल्ल वाळ्ळकि जरिगिंदि। इसलिए सबसे पहले मदद हम उनकी करेंगे। अंदुके मुंदुगा आ तल्लुलु सोदरुल गुरिंचि मनं निर्णयं चेशां। सोदरी मनुल गुरिंचि तेलंगाणा की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए कांग्रेस पार्टी डिपॉजिट करेगी। तेलंगाणा महिला बैंक अकाउंट में प्रति ने 2,500 रूपये वाले अकाउंट में वस्तार चुप्ता ना हो तो हर महीने 2,500 रुपए पहले डिपॉजिट होगा। प्रति ने 2,500 रूपये वाले अकाउंट में जमा जाए पड़ती। फिर घर में सिलेंडर खरीदा जाता है मोदी जी ने 1,000 रुपए का बना रखा है। मरंदर के दर्शन में गैस सिलेंडर मोदी प्रभुत्व वाला ये रोज 1,000 रुपए तो खराब सस्ता होंगे। कांग्रेस पार्टी उसका दाम 500 रुपए कर देगी। कांग्रेस पार्टी में अधिकार में राजा ने 500 रुपए के गैस सिलेंडर स्थापन जपता हमारे तो हर महिला के 2,500 रुपए आएंगे और 500 रुपए कम खर्च होंगे। प्रति महिला के 2,500 रूपये तो पाटो 500 तो गैस सिलेंडर को राबोता हूं मगर मतलब 3,000 रूपये उनको मिलेंगे। दादापू 3,000 रूपये और लाभ अंदर होता हूं। ठीक है देखिए हम बस से भाषण दे रहे हैं। मेरे चूँ मेरे इतने बस में उपदेश चुपता हूं। नैन रोज ऐसी बसें पूरे तेलंगाना में घूमती हैं। रोज प्रतिरोज इटువంటి బస్సులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి। రోజ్ రోజ్ తెలంగాణ మే బస్సో పే మహిళాయి టికెట్ ఖరీదుతీ హై। ప్రతిరోజు తెలంగాణ సోదరు మల్లు బస్సులో టికెట్లు కొనుక్కొని ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు। మార్కెట్ జానే కే లియే మార్కెట్ పోవడానికి బ్యాంక్ మే జానే కే లియే బ్యాంక్ దగ్గర పోవడానికి కోయి బిమార్ హోతా హై తో హాస్పిటల్ మే జానే కే లియే ఇంట్లో రేనా ఆసుపత్రి పార్ హోతా ఆసుపత్రిలో పోవడానికి ఆర్ రిష్తేదారో కో మిల్నే दूसरे शहर में जाने के लिए कुटुंब सभ्युला बंधुल कलवडानिकी को प्रांतानिकी वेल्लप्पुडु महीने के 500,000 रुपए लगते हैं। नेल के 500,000 रुपये प्रयाण के खर्च होती आरटीसी बस लो। सरकार आने के एकदम बाद तेलंगाना की कोई भी महिला बस के टिकट के लिए पैसा नहीं देगी। तेलंगाना मन कांग्रेस प्रभुत्व राष्ट्र में
ये तल्ली ये सोमर वाली कोड़ा मानसुल टिकट लगा रहा है उसने ले दो तो हमारी सरकार शुरुआत से ही महिलाओं को 4,000 रुपए का फायदा पहुंचाएंगे मान प्रभुत्व राणा ने मदतु नुंचे प्रति महिला की 4,000 रुपये पेंशन अंदिचे कार्यक्रम चेपड़ता हूं किसान प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हो రైతులకు వచ్చి రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో కూడా చెప్తాను ఆర్ ఉన్కో కేసీఆర్ జీనే సబ్సే జాదా తంగ్ కియా ఈ రాష్ట్రంలో రైతులను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చాలా ఇబ్బందులు పెట్టింది మోడీ జీనే ఆర్ కేసీఆర్ ని మిల్కి మోడీ గారు కేసీఆర్ గారు ఇద్దరు కలిసి రైతులను ఇబ్బంది పెట్టారు ఆర్ అగర్ కిసాన్ ముష్కిల్ మే హై తో మజ్దూర్ భీ ముష్కిల్ మే హోతా హై ఒకవేళ पड़ते इसीलिए रैतु भरोसा स्कीम में हम किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ एक हर साल देंगे हम दुको समय प्रति रैत के एकरान के संवत्सरान के 15,000 रुपये कांग्रेस पार्टी का मैं निर्णय देशा और हर मजदूर को 12,000 रुपए हर साल मिलेगा ప్రతి భూమి లేని నిరుపేద కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తాము తెలంగాణ మే ధర్నీ పోర్టల్ కా ప్రయోగ్ కర్కే ఆప్కే చీఫ్ మినిస్టర్ నే ఆప్కీ జమీన్ చీనీ తెలంగాణలో ధర్నీ పోర్టల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 2 లక్షల మంది భూములు నాటుకున్నాడు తెలంగాణ మే లాఖో లోగ్ హే జిన్కే పాస్ ఆజ్ భీ ఘర్ నహీ హే కొన్ని లక్షల మంది తెలంగాణలో ఈ రోజు जिनके पास तेलंगाना में आज घर नहीं है उनके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार घर बनाने के लिए 5,00,000 रुपए देगी तेलंगाना इन प्रति इंटरपूर्ण अब मोदी जी और केसीआर क्या कर रहे हैं सारे का सारे शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं केसीआर गारु नरेंद्र मोदी गारु इधर कलिसि स्कूल्स गुरिंचि स्कूल्स गानि इतर प्रजल पनिकोच्चेट शिक्षण इच्चेट अन्नी व्यवस्थलु प्रवेट व्यक्तुलकु अंदिस्तुन्नारु आज मैं युवा से मिला मैंने उससे पूछा तुमने क्या ट्रेनिंग की నేను రోజు కొంతమంది యువతను కలిశాను మీరు ఏం చేయాలని అడిగాను ఉస్నే కహా కి 30,000 రూపాయ మనే ట్రైనింగ్ మే ఖర్చు కియే ఆర్మీ కో జాయిన్ కర్నే కే లియే 30,000 ఆయన చెప్పాడు నేను కలిశిన వత 30,000 రూపాయలు ఆర్మీ ట్రైనింగ్ కోసం ఖర్చు పెట్టుకున్నానని నాకు చెప్పాడు ఫిర్ మనే ఉస్సే పూచా తుమ్ ఆర్మీ మే జానా చాతే తే తో తుమ్ మజ్దూరీ క్యూ కర్ రియో నేను అడిగాను మన్న ఆర్మీలో చేరాలనుకున్న 30,000 ఖర్చు పెట్టావు కదా ఇప్పుడు కూలిగా ఎందుకు మారావు అని అడిగాను తుమ్నే అప్నా 30,000 రూపాయ ఖర్చు కియా ఆర్మీ మే జానే కే లియే కిసీ ప్రైవేట్ సంస్థా కో తుమ్నే దియా మగర్ తుమ్ ఆజ్ మజ్దూరీ కర్ రహే హో క్యూ నేను అడిగాను 30,000 రూపాయలే కో ప్రైవేట్ సంస్థలో వచ్చి ఖర్చు పెట్టి చేశావు ట్రైనింగ్ మన్న ఇవాల కూలిగా ఎందుకు పోతావు అని నేను పదే పదే అడిగాను ఉస్నే కహా కి నరేంద్ర మోదీ నే అగ్నివీర్ స్కీమ్ చాలూ కియా హై ఆయన చెప్పాడు నరేంద్ర మోడీ గారు అగ్నివీర్ అనేటువంటి ఒక కొత్త పథకం తీసుకొని వచ్చాడు మే ఆర్మీ మే జాయిన్ నీ సక్తా హూ నేను ఆర్మీలో జాయిన్ కాలేకపోయాను దాని వల్ల మేరే 30,000 రూపాయ గాయబ్ హో గయే నా 30,000 రూపాయలు కూడా మాయపోయిన నాకు లేకుండా పోయింది తో బహుత్ సారే యువా తెలంగాణ మే कॉलेजेस में स्कूल्स में डिग्री लेने की कोशिश करते हैं अनेक मंदिर होता तेलंगाना लो कॉलेज लो डिग्री लो ये ला डबल पेमेंट कुंठने वाला रो कोचिंग फीस देते हैं कोचिंग कौन सा डबल करता है हमारा फीस करता है हमारा कोई आईएएस में जाना चाहता है कौन तो बंदा आईएएस का और भी करता है हमारा कोई आईपीएस इंजीनियर बनना चाहता है करोड़ों युवा इस प्रदेश में ये राष्ट्र हैं ये राष्ट्र में फीस करता हूं नारू इसीलिए युवा विकास सम स्कीम के माध्यम से हम उन युवाओं की मदद करना चाहते हैं अंध कौशल
युव विकास पेर मीद विद्या भरोसा कार्ड के माध्यम से कोचिंग के लिए कॉलेज फीस के लिए 5 लाख रुपए तक कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। अंधकोशन युवत केसीआर और नरेंद्र मोदी स्कूल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। केसीआर और नरेंद्र मोदी गारु स्कूल सन्नी प्राइवेट परम चेस्तुन्नारु। हम हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल खोलेंगे प्रति मंडलमलो। अंदुकोसमे प्रति मंडलमलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लो ओके इंटरनेशनल स्कूल पेट्टबोतुन्नारु। भाई और बहनों आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। सोदरी सोदरी मल्लारा चवर चल वो नफरत फैलाते हैं वालू विद्वेषा में रच करता हूं। मैं मोहब्बत की बात करता हूं प्रेम गुरी बात करता हूं। नफरत के बाजार चलाते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूं। मेरे ऊपर बीजेपी आरएसएस ने 24 केस लगा रखे हैं। आरएसएस बीजेपी 24 केस लगा बैठी। जैसे सेना वालों को मेडल मिलता है वैसे ये मेरे मेडल हैं। मेडल चार लाख 24 केस और मैं और केस और मेडल खोजता रहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ अगर बीजेपी का कोई आक्रमण ना हो या मेरे बारे में वो कुछ गलत बात ना बोले मुझे मजा नहीं आता। ना मैदान बीजेपी वालों मातलाड़क पोते लाख पत्तगा संतोष मंडलो इतने मेरे वालों को एकदम जस्ता होना लो। उनकी गाली गाली सुनकर मुझे अच्छा लगता है। वालों कितने फिरे कि मैंने देखो अपने दुश्मन को इतना हिला दिया कि वो 24 घंटा मेरी बात कर रहे हैं। तिड़ता उन्ना नेनु बाधपड़ले नेनु ఎంత కదిరించానంటే వాళ్ళని 24 గంటలు మరి తిట్టే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు। नरेंद्र मोदी जी और केसीआर रात को सोते हैं झटके से रात को उनको मैं सपने में दिखता हूं। नरेंद्र मोदी की केसीआर की प्रतीक्षण उल्क पड़ना चूस्ता उठा रहे झट से उठते हो झटका 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 यहां भी घुस पड़ा ये कैसे हो गया इतना जर सपने में भी आ गया उल्क पड़े खाना बड़ा उल्क पड़ता है चूसी। सरकारी घर था मेरा वो नरेंद्र मोदी उठा के ले गया। सरकारी ना किचन नरेंद्र मोदी तीस मैंने कहा ले जाओ अपना घर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर। अरे नहीं माना जब मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है पूरा तेलंगाना भारत देश विशाल मेरा भारत देश इलेंगा तुम लोग सरकारी घर में रहो मैं सड़कों पे चल रहा हूं मैं सड़कों में रह रहा हूं। मेरे सरकारी बंगला उंडले नेनु रोड्ल मीद प्रजल मध्य बतानु अनि चेप्पानु नु। अब भाई और बहनों मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं केसीआर पे कितने केस हैं। सोदर सोदर बल्लारो नेनु अंदरिकी ओक प्रश्न वेसुकुनि ओक सवाल विसरदलुचुकुन्नानु एक भी केस नहीं है। ई केसीआर पैन ना ईडी ना सीबीआई ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़े हैं। ईडी गानी सीबीआई गानी चल के इनकम टैक्स कोड़ा आयरन को पड़क लेते लोकसभा में राज्यसभा में
केसीआर नरेंद्र मोदी की 24 घंटे मदद करते हैं। लोकसभा राज्यसभा केसीआर 24 घंटे बीजेपी पार्टी की मदद इस्तूने उंटाडु। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, ये चट्टाल तीसुकोच्चिना अदि जीएसटी गानी लेकिन नोट रद्दु गानी किसान संबंधी नोट्लु गानी बीजेपी की टीआरएस बीआरएस पार्टी मदत इच्चिंदी। बीजेपी बीआरएस और एमआईएम एक है। बीजेपी बीआरएस एमआईएम मोड़ो जहां भी हम चुनाव जाके लड़ते हैं, असम में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में एमआईएम खड़ी हो जाती है। ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయో అస్సాంలో కానీ త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో కానీ ఎక్కడెక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా ఎంఐఎం వచ్చి అక్కడ పోటీ చేస్తూ ఉంటుంది। మే ఉంటే నేతాఓ సే పూచ్నా చాతా హూ యే క్యాండిడేట్ ఖడే కర్నే కే లియే ఆప్కో పైసే కహాన్ సే ఆతే హై। నేను ఎంఐఎం నాయకు లడా దర్చుకున్నాను, ఇటువంటి రాష్ట్రాల్లో నీ అభ్యర్థులు నిలబెట్టడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉన్నాయి అని। ఏ केसीआर और नरेंद्र मोदी के एटीएम से आते हैं। केसीआर एटीएम मनी लगा चुस्ता उंटारु। तो ये तीनों मिले हुए हैं, ये मुगुर कल से उन्नारु। आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले बीजेपी के सारे लोग छाती फैलाए घूम रहे थे। निरंतर चूसे उंटारु మూడు నాలుగు మాసాల క్రితం బీజేపీ నాయకత్వం అంతా కూడా ఛాతి విరుచుకొని ఈ రాష్ట్రంలో తిరుగుతూ చూశారు। మోడీజీ ఛాతి ఫెలాకే ఘూమ్ రే థే, మోడీజీ ఛాతిని విచ్చవచ్చు వేసుకొని తిరుగుతా ఉన్నారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ మైదాన్ మే ఉత్రి పూరికి పూరి బీజేపీ కి హవా నికాల్ ది హమ్నే। కాంగ్రెస్ పార్టీ మైదానంలో దిగంగానే వాళ్ళ గాలి మొత్తం తీసేసింది, గాలంతో పోయింది। గాలి మే టైర్ హోతే నా చార్ చారో మే చారో టైర్ పంచర్ కర్ దియా హమ్నే బీజేపీ కే। బండిలో చూస్తారు కదా, ఆ బండికున్న నాలుగు చక్రాలు కూడా గాలి పోయింది తీసేసాం। అబ్ ఉన్కే నేతా ఆతే హై ఔర్ కహతే హై భాయియో ఔర్ బెహనో తెలంగాణ మే हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बैठाएंगे। ये बल्ले आप बीजेपी नायक कर कोस्तर हो सोदर सोदरी बल्ले रो तेलंगाना लो ये ओबीसी ने मुख्यमंत्री जैसा वन चक्ता होता रो बीजेपी और लो। अरे भाई साहब, आपको 2% वोट नहीं मिलेगा, चीफ मिनिस्टर कहाँ का बैठाओगे। अरे सोदर हो, अरे करेजा रिंडु शातो वोट लगा ले वो आपने देखा होगा हिंदुस्तान ने चांद पर रॉकेट भेजा चंद्रयान। चूसे उंटारु भारत देश चंद्रमंडल की प्रयाण जरिगिनटुवंटि संगति कूडा मीकु तेलिसिंदे। मस्जिद प्रार्थन जगे सैलैंट मैं आपा सैलैंट बराबर मस्जिद तो हिंदुस्तान ने चांद तक रॉकेट भेजा,
भेजा ना चंद्रयान अंदर तेल कदा चंद्र मंडल मेद के मन मन अंदर प्रयाणीक अब पंपचा कदा चंद्रयान जी 70 साल से इसरो काम कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया, कांग्रेस पार्टी ने उसको मदद की बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू गार प्रधानमंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैठी इसरो द्वारा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने चांद तक रॉकेट भेजा है। भाइयों मैं चांद पर ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बैठाने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी गार चल रो सोदर सोदरी मिलना चंद्र मंडल मेद ओबीसी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी 10 सरकारें हैं हिंदुस्तान के स्टेट में, यहाँ पे आप बना दीजिए एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर पहले बात करने से। नरेंद्र मोदी गारु भारत देश चार राष्ट्रों में प्रभुत्म अक्ड बल वर्ग नायक मुख्यमंत्री चेयर और टाइम जाया करने के बजाय हिंदुस्तान के ओबीसी को पिछड़ों को बता दीजिए कि आप कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं। एक समय वृद्धा जैसे बदलो मेरे भारत देश ओबीसी की स्पष्ट चपंडी ओबीसी जनगणन चेयर की मेरे सिद्ध अभी हमने जो किया था ओबीसी सेंसस जब हमारी सरकार थी हमने जो किया था उसके आप आंकड़े देश के ओबीसी को दिखा दीजिए। पूरा पूरा देश का ओबीसी जानना चाहता है हिंदुस्तान में उनकी कितनी आबादी है। देश व्याप्त बलहन वर्ग ओबीसी वर्ग देश ओबीसी जनाभा कि ये आप काम कभी नहीं करोगे और ये काम केसीआर भी नहीं करेंगे। केसीआर क्योंकि ओबीसी को भागीदारी नहीं देना चाहते। केसीआर ओबीसी भागस्वामु दलितों को आदिवासियों को भागीदारी नहीं देना चाहते। दलित ओबीसी इतर गिरिजन भागस्वामु हमने निर्णय ले लिया है। जैसे ही तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी हमारा पहला निर्णय कैबिनेट का पहला काम कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सर्वे होगा। नेम निर्णय तेलंगाना राष्ट्र मोटमोद जनगणना का विकास उस दिन शुरू होगा जब ओबीसी सेंसस पूरा होगा। तेलंगाना भविष्य गानी अभिवृद्धि गानी विकास गानी आ जनगणना तोने ओबीसी विकास तोने जरूरतों स्पष्ट और जैसे ही हमारी हिंदुस्तान में सरकार बनेगी जो 2024 में बनने जा रही है भारत देश में कांग्रेस प्रभुत्म ने हमारा पहला काम नेशनल कास्ट सेंसस करने का होगा। मां मदटी पनी नेशनल कास्ट सेंसस अटे जनाभा जनगणना ओबीसी जनगणना छापिस्तानी अंदर की मातिस्ता और पिछड़ों दलितों आदिवासियों गरीबों का किसानों का एक नया भविष्य शुरू होगा। आदिवासी लो दलित लो गिरिजन लो बलहीन वर्ग कोत्ता जीवित अपनुंची मोदलवुतुंदि अनि कूडा नेनु स्पष्टंगा चेप्पदलुचुकुन्नानु। आप सब रात के समय आए मेरी बात सुनने आए इसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। इत रात्रि पूट कूडा अनेक प्रांताल नुंचि वच्चिनंदुकु ना हृदयपूर्वकंगा मी अंदरिकी धन्यवादालु तेलियजेस्तानु। उनका काम नफरत फैलाने का है, वाला पने द्विपक्षीय विषम जिपे परिणाम ना रू वो नफरत की बाजार चलाते हैं। वाला तो विषम चिम्मे बाजार में नरता ना रू हम उनके नफरत के बाजार के अंदर अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। वाला विषम जिपे तो बाजार लो मानम
प्रेम पंचे दुकान द्वारा प्रेम पंचदा एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं इनको कल एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं हम सबको जोड़ने का काम करेंगे यही कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री है इधर कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय तेलंगाना अंदर के गुंडे लगा धन्यवाद जय जय कांग्रेस हमारे कैंडिडेट वेर्लपल्ली शंकर कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थिगा इकड़ पोटी चेस्ता उन्नाडु।